हेलो गाइस, वेलकम टू कैशिफाई। और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि सबको ही पता है फेस्टिव सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोग काफी अपने नियर एंड डियर वंस को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपने पेरेंट्स को इस दिवाली, इस नवरात्र, इस फेस्टिव सीजन एक स्मार्टफोन गिफ्ट करने की सोच रहे थे। और हाँ, यहाँ पे हम आपको वो ऑप्शंस देने वाले हैं जो कि आपके बहुत ही अच्छे बजट में फॉल करेंगे। चार बेस्ट स्मार्टफोन्स जो कि आप अंडर 20,000 में खरीद सकते हैं और अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं बिना किसी यहाँ पे फीचर को कॉम्प्रोमाइज किए। तो वीडियो में एंड तक जरूर जुड़े रहें, कैशिफाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि चारों में से आपको बेस्ट कौन सा लगता है एंड आप अपने पेरेंट्स को कौन सा गिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि मिड रेंज सेगमेंट में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो मिड रेंज सेगमेंट है वहाँ पे बैक टू बैक काफी सारे डिवाइसेस लॉन्च किए जा रहे हैं एंड यहाँ पे इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है ब्रांड की तरफ से, इतने सारे स्मार्टफोन्स मॉडल्स निकाल के। तो यहाँ पे जो ये जनरल कंज्यूमर है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा इतने सारे ऑप्शंस को देखने के बाद। सो ये वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे आपको सारे फिल्टर्स लगा के, सारे सेग्रीगेशन लगाने के बाद जो चार बेस्ट ऑप्शंस हैं हम आपको वो बताने वाले हैं। सो उसी में से सबसे पहला जो ऑप्शन है, जो कि एक पर्सनल रिकमेंडेशन के बाद हम आपको एक डिवाइस रिकमेंड करने वाले हैं, वो है आपका मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। यहाँ पे मोटोरोला का नाम सुनते ही मेरे को एक्साइटमेंट हो जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्लीन इंटरफेस वाला स्मार्टफोन है एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक स्टॉक एंड्रॉयड का फीचर। यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड काफी लोगों को नहीं भी पता होता क्या होता है, बट बताने के लिए कि यहाँ पे आपको जो थर्ड पार्टी एप्स हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे ब्लोटवेयर है, यहाँ पे बीच बीच में जो आपको एड्स पॉपअप होके दिखती हैं वैसा कुछ भी नहीं मिलता। सो मोटोरोला के जो फोन्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं इसी की वजह से। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो ये एक ऑप्शन बेस्ट रहता है क्योंकि उनको कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगी जब भी वो स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस में साथ ही में आपको मिलती है 6GB की रैम और 5000mAh की बैटरी और साथ ही में आपको मोटोरोला की तरफ से टर्बो चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बैटरी के मामले में भी कोई टेंशन नहीं रहेगी, काफी अच्छे समय तक बैटरी चलती रहेगी, तो आपके पेरेंट्स परेशान भी नहीं होंगे कि यहाँ पे बार बार आपको फोन चार्ज करना पड़ रहा है। अगर इसी के बाद बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज भी 6.5 इंचेस का काफी अच्छा डिस्प्ले साइज है और बहुत अच्छे रेजोल्यूशन के साथ भी आता है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एक मोटोरोला का ये वन फ्यूजन प्लस है, ये ऐसा नहीं है कि अगले एक साल में आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आराम से आपका 2.5 साल की लाइफ आपको दे देगा। और अगर आपका यूजेज नॉर्मल से कम रहता है तो शायद ये आराम से 3 साल तक की लाइफ आपके पेरेंट्स को दे जाएगा। सो मेरे हिसाब से मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस एक काफी अच्छा ऑप्शन है। और इसी के साथ अगर उनको आपकी पिक्चर्स देने का भी बहुत ज्यादा शौक है तो आप तो भी वन फ्यूजन प्लस कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा भी दे दिया गया है। यहाँ पे आपको मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस से 15,999 में मिल सकता है, जहाँ पे आपको 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है जो कि काफी सफिशियंट रहती है इस प्राइस रेंज में। अब इसी के बाद चलेंगे सीधा अगले स्मार्टफोन पे जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट पिक है और वो है Xiaomi का Redmi Note 9 Pro। अब Xiaomi का नाम सुनते ही आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो Xiaomi वही वाली ब्रांड है जहाँ पे काफी सारे एड्स आते हैं और काफी सारी थर्ड पार्टी एप्स दे दी जाती हैं और चाइनीज स्मार्टफोन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आजकल Xiaomi के स्मार्टफोन्स भी मेड इन इंडिया बन रहे हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही हैं कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है उस पर ध्यान दिया जाए। एंड यहाँ पे जो MIUI 12 आ चुका है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन इंटरफेस बनाने की कोशिश करी गई है और उसी के साथ यहाँ पे आपको मिलता है काफ़ी मॉड्यूलर डिज़ाइन। अगर आप हाथ में पकड़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी प्रीमियम फील आने वाली है। और जो इसके पीछे यहाँ पे क्वाड कैमरा दिया गया एक स्क्वेरिकल मॉड्यूल में, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे चिपसेट की, तो आपको स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। इसी के साथ जो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro का एक मुझे काफी अच्छा फीचर लगता है वो ये है कि जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पावर बटन में ही दे दिया गया है, तो ये काफी हैंडी बना देता है आपके फोन को अनलॉक करना।
सो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ जाके या फिर फेस अनलॉक का वेट नहीं करना रहेगा, आप सीधा पावर बटन पे जाके अपना Redmi Note 9 Pro को अनलॉक कर सकते हैं। और इसी के बाद जो एक और फीचर पे Xiaomi ने ध्यान दिया है वो है यहाँ पे जो आपका फोन है उसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी का, जिसके साथ आपको मिलता है ट्रिपल गॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। इसका मतलब ये है कि आपका जो पीछे की तरफ कैमरा है वो भी प्रोटेक्टेड है, बैक ग्लास भी प्रोटेक्टेड है और आगे की तरफ आपका डिस्प्ले भी प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंस एंड साथ ही में यहाँ पे अगर एंटी फॉल यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी गई है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ। सो यहाँ पे अगर आपका फोन गिर भी जाता है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दे दिया गया है। इसी के बाद बात करेंगे यहाँ पे 5020 mAh की बैटरी जो कि आपको Redmi Note 9 Pro में मिल जाती है और साथ ही में आपको 18 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है तो चार्ज भी जल्दी से हो ही जाएगी, बट यहाँ पे बैटरी साइज ही इतना बड़ा है तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली बैटरी डिपार्टमेंट में। अगर बात करें यहाँ पे Redmi Note 9 Pro के प्राइस की तो आपको यहाँ पे 12,999 के प्राइस पे 4GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है और अगर आप 6GB वाला वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो आपको 15,999 के प्राइस पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी रखी गई है। अब इसी के बाद चलेंगे सीधा हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन पे, जो कि है एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन, सैमसंग का गैलेक्सी M31S। यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा टाइम हुआ है कि सैमसंग के बैक टू बैक M और F सीरीज के स्मार्टफोन आए हैं, M31S, M51 एंड यहाँ पे अब गैलेक्सी F41 भी आ चुका है। तो यहाँ पे इतने सारे मॉडल्स देख के एक कंज्यूमर ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएगा कि इन सब में से कौन सा बेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इसके बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज्यादा इमर्सिव डिस्प्ले की, जो कि एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.5 इंचेस का, एंड जो ओवरऑल आपका स्मार्टफोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। एंड अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब चलाते हैं या फिर नॉर्मली आप फ़ोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, हर जगह डिस्प्ले जो है वो काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है एंड इसी वजह से गैलेक्सी M31S एक लौता ऑप्शन है जो कि आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देगा अंडर 20,000 में, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की सैमसंग की तरफ से। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है 6,000 mAh की बैटरी। सो यहाँ पे जो सैमसंग की M सीरीज है वो बैटरी डिपार्टमेंट में एकदम मॉन्स्टर रहती है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है एंड आराम से अगर आपके पेरेंट्स यूज कर रहे हैं तो 1.5 से 2 दिन कहीं नहीं गया, सिंगल चार्ज में आराम से चलने वाला है आपका M31S। यहाँ पे थोड़ा आपको स्नैपड्रैगन चिपसेट तो देखने को नहीं मिलता, आपको यहाँ पे Exynos 9611 देखने को मिलता है, बट आई थिंक यहाँ पे और बेटर फीचर्स जहाँ पे कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, वहाँ पे सैमसंग के M31S ऑलरेडी बाकी सबसे ऊपर रहता है, तो आई थिंक प्रोसेसर को हम साइड में रख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग एंड M31S को इसलिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर सैमसंग गैलेक्सी M31S की बात करें तो ये हमारी जो पिक है ये अराउंड 18,499 रुपीज में आपको मिल जाती है Amazon से, जहां पे आपको मिलती है 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। तो ये भी एक काफी अच्छा पैकेज है ओवरऑल। आपको ऑल्सो यहाँ पे आपको वो वाली टेंशन नहीं रहेगी ये चाइनीज स्मार्टफोन है या कुछ, क्योंकि सैमसंग एक ट्रस्टेड ब्रांड है, आप एक ब्रांड नेम के पर्सपेक्टिव से सैमसंग M31S खरीद सकते हैं। अब जो लास्ट और जो बेस्ट और जो काफी अच्छा रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक है अंडर 20,000, वो है पोको का X3। पोको ने F1 निकाला था जो कि काफी फेमस फोन था एंड काफी लोगों को पसंद आया था क्योंकि वो आपको फ्लैगशिप फीचर्स देता था एक बजट प्राइस पे। साथ ही में उसके बाद आया पोको X2 एंड अब लॉन्च हुआ है पोको X3, जो कि अगेन एक काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे हाई रिफ्रेश रेट, क्वाड कैमरा एंड बहुत अच्छा डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, काफी अच्छी बैटरी, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं पोको X3 में एंड ये सब आपको मिलता है सिर्फ 16,999 के प्राइस पे, जहां से पोको X3 स्टार्ट होता है। और अगर आप इसका 8GB रैम और 128GB वाला वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो वो भी आपको अंडर 20,000 में मिल जाता है 19,999 के प्राइस पर। यहाँ पे पोको X3 में हमें देखने को मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट। यहाँ पे एक आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, AMOLED डिस्प्ले नहीं है
बट इवन देन यहाँ पे जो इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी अच्छी कर देता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक फैंसी सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा भी मिल जाता है। अगर इसी के बाद बात करें तो यहाँ पे पोको X3 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और उसी के साथ 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। सो यहाँ पे ये एक टोटल कंप्लीट काफी अच्छा पैकेज है। यहाँ पे इसको बैकअप करने के लिए और सारा प्रोसेसिंग करने के लिए आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर, काफ़ी रीसेंट प्रोसेसर है। यहाँ पे आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी मल्टीटास्किंग में, कोई शिकायत नहीं रहेगी डेली यूजेज में, मीडियम से लेके हैवी यूजेज तक भी आपका पोको X3 आराम से संभाल लेगा। और इसी के साथ अगर आपके पेरेंट्स को गाने सुनने का काफ़ी ज़्यादा शौक है तो भी आप पोको X3 कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आउटपुट, तो आप इसके लिए भी पोको X3 कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको आज की वीडियो में बताया कि चार कौन से बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर आप जनरली भी अंडर 20,000 में अपने लिए किसी के लिए भी खरीद सकते हैं। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में अपना चारों में से बेस्ट स्मार्टफोन मेंशन कर दें, और अगर इसके अलावा भी कोई स्मार्टफोन है जो आपको बहुत पसंद हो और आपको लगता है कि 20,000 के सेगमेंट में वो इससे बेटर है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप इनमें से कोई भी नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो अपना पुराना स्मार्टफोन बेचें सिर्फ कैशिफाई पे, क्योंकि कैशिफाई आपको देता है आपके पुराने स्मार्टफोन का एकदम बेस्ट प्राइस, वो भी घर बैठे सिर्फ 60 सेकंड्स में आपके फोन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे दिया है जहां से आप जाके अपने पुराने स्मार्टफोन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए कैशिफाई के चैनल पर जुड़े रहें एंड बाय बाय।